वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 500 वर्षों का इंतजार, भगवान श्री राम को दोबारा अयोध्या में स्थापित करने का कार्य हुआ। कल के कार्यक्रम के साथ केवल देश की 140 करोड़ जनता की आस्था ही नहीं थी, बल्कि पूरे विश्व के भगवान राम के अनुयायियों की श्रद्धा और आस्था जुड़ी हुई है। हमारा कार्य कल से शुरू होता है, हमें राष्ट्र को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना होगा, लेकिन पूरे विश्व के लिए 500 वर्ष का इंतजार, भगवान श्री राम को दोबारा अयोध्या में स्थापित करने का कार्य, मां भारती के योग्य पुत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में संभव हो पाया है। कल के कार्यक्रम के साथ देश के 140 करोड़ जनता की आस्था केवल नहीं, लेकिन पूरे विश्व के भगवान राम के अनुयायियों और श्रद्धालुओं के साथ ये आस्था जुड़ी हुई है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, शिलान्यास 2019 में हुआ, लोकार्पण कल हुआ, लेकिन हमारा कार्य कल से शुरू होता है, राष्ट्र को विश्व गुरु के रूप में हमें स्थापित करना है और हर नागरिक को मेहनत और अपने मशक्कत के आधार पर अपना योगदान देना है भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए।